15 अगस्त के दिन पूरे देश में जहां आजादी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया, वहीं उज्जैन के श्री राम गुजराती माली समाज ने समाज के प्रति 52 बच्चों को सम्मानित किया। रानी माली समाज द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है। उज्जैन में श्री रामी गुजराती माली समाज द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिभावान बालक बालिकाओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लगातार पिछले 13 वर्षों से किए जा रहे समारोह में समाज के सभी वर्गों के लोग उपस्थित होकर पढ़ाई, खेल और अन्य क्षेत्रों में समाज का मान बढ़ा रहे हैं। बालक बालिकाओं और युवाओं का प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मान करते हैं। इसी वर्ष भी समाज के सभी लोगों ने एकत्रित होकर बच्चों का सम्मान किया। उज्जैन से अरविंद देवदरे के साथ शकील खान की रिपोर्ट। क्या और कितने सालों से आयोजित होता है ये? रामी गुजराती माली समाज द्वारा हमारे उमा शंकर दादा हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी प्रेरणा से सबसे शुरुआत उन्होंने एक साइकिल देने की परिवार की ओर से घोषणा की। जो भी 12वीं कक्षा में प्रथम आएगा, 70-80 नंबर से ऊपर लाएगा समाज में, उसको हम साइकिल देंगे। वो प्रेरणा के हमारे स्रोत रहे हैं और लगातार 13 वर्ष, हम आज 13वां वर्ष है, लगातार हम शिक्षा समिति के माध्यम से जितने भी हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, चाहे प्रतिभाओं में हों, चाहे खेल में हों, चाहे गोल्ड मेडल ला के आए हों, छोटे छोटे बच्चे हों, बच्चे बच्ची हैं, या फैंसी ड्रेस के माध्यम से, गीत के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से बच्चों में उत्साह। जब शुरुआत हमने की थी तो हमारे यहाँ 15-20-25 लोग नंबर टॉप पे थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास 150 से ऊपर बच्चे हैं जो खेल में और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे माली समाज के अंदर आज की तारीख में जिस ये योजना जब हमने प्रारंभ की थी, उस दिन से आज हमारे समाज में 3-3, 4-4 पटवारी हैं। एक अभी हमारा सहायक इंजीनियर बना कृषि के क्षेत्र में, देवास में है। इस प्रकार से हमारे समाज लगातार तरक्की कर रही है और ये प्रेरणा के स्रोत हमारे उमा शंकर दादा और हमारे समाज के सभी लोग, यहाँ वरिष्ठ जन है, बड़े साहब यादव जी हैं, हमारे विद्या जी हैं, हमारे सूरज जी चौहान शिक्षा समिति के लोग हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और रामी माली समाज के इस प्रतिभाओं के बच्चों को उठाने का काम, ताकि बच्चों को एक दूसरे को देखकर